गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज आपके कोर्स जी पी बी 311 क्रॉप इम्प्रूवमेंट है। इसमें अपने आज नेक्स्ट क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे, मेज़ यानी कि मक्का। तो इसमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन से इसके सेंटर ऑफ ओरिजिन हैं, क्या इसके वाइल्ड रिलेटिव हैं, कैसे इसकी फ्लोरल बायोलॉजी है, कौन से इसकी अपने ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज अपने इसमें डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस क्रॉप में अपने राइस के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले देखते हैं मेज़ इज नाउन एज क्वीन ऑफ सीरियल्स। जो सीरियल्स होते हैं अनाजों की रानी, भी इसको नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो अपने राइस और व्हीट के बाद में जो प्रमुख मेज क्रॉप है जो सीरियल्स में, वो मेज ही है। कॉमन नेम इसका मेज और कॉर्न भी इसको बोलते हैं। मेज और कॉर्न, यानी मक्का और कॉर्न भी इसको बोलते हैं। बोटेनिकल नेम क्या है इसका? जिया मेज। जिया इसमें जिसमें जीनस है, और मेज इसकी स्पीसीज है। तो पहला इसमें आपको मालूम है जो बोटेनिकल नेम होता है उसमें पहला जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। फैमिली पोएसी और ग्रेमनी, तो सीरियल्स क्रॉप है पोएसी और ग्रेसेस, आपको मालूम ग्रेसेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्रोमोसोम नंबर 20, यानी कि 20 क्रोमोसोम है, डिप्लोइड है, डिप्लोइड स्पीसीज है, और 20 क्रोमोसोम नंबर इसमें पाए जाते हैं। और सेंटर ऑफ ओरिजिन कौन सा इसका? सेंट्रल अमेरिका, और कई बार इसके साथ में मेक्सिको भी कंसिडर करते हैं इसमें, क्योंकि मिजो जो अमेरिका से रीजन है उसको इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन मानते हैं, जिसमें मेक्सिको भी कई बार सम्मिलित होता है, लेकिन जनरली इसका सेंटर है वो क्या है? सेंट्रल अमेरिका। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, स्पीसीज कहाँ कहाँ तक इसके मतलब कल्टीवेशन होता है, कहाँ कहाँ तक ये स्पीसीज पहुँची हुई है, कहाँ कहाँ तक ये स्पीसीज पाई जाती है। तो वर्ल्ड लेवल पर देखें तो यूएसए, चाइना, रसिया, कनाडा एंड मैनी साउथ एशियन कंट्रीज़, तो वर्ल्ड लेवल पर इन सभी कंट्रीज़ में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। इंडिया में देखें तो यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, क्या ये मुख्य स्टेट है जिसमें मेज का कल्टीवेशन किया जाता है। प्रोजिनेटर्स का मतलब है अभी जो अपने कल्टीवेटेड मेज है उनके प्रोजिनेटर्स कौन है, उसके जो पूर्वज हैं वो कौन है, उसके बारे में। तो मुख्य जो इसका प्रोजिनेटर है वो टीसेंटे, ट्यूसेंटे, इसका मुख्य जो प्रोजिनेटर है ट्यूसेंटे को मानते हैं अपने, लेकिन इसके साथ ट्यूनिकाटा, जिया ट्यूनिकाटा है स्पीसीज को भी इसका प्रोजिनेटर में सम्मिलित करते हैं, लेकिन जो मुख्य इसका प्रोजिनेटर है वो ट्यूसेंटे है। इसके अलावा एक गामा ग्रास है जो अदर जीनस से बिलोंग करता है, ट्रिप्सिकम, ट्रिप्सिकम जो जीनस है उसका भी इसका प्रोजिनेटर मानते हैं, क्योंकि जो इसके है जो रिलेशन है उस जो जीनस से काफ़ी अच्छे पाए जाते हैं। हालांकि इसमें जो अपने डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है करेक्टर्स ट्रांसफ़र करने की, इसलिए इसको इतना नज़दीकी इसका प्रोजिनेटर नहीं मानते हैं। टियोसेंटे को इसका वाइल्ड रिलेटिव या प्रोजिनेटर इसका मानते हैं मक्का का। जो जीनस अपने जिया है तो उसके अंदर जनरली 4 स्पीसीज है। जिया जीनस के अंदर कितनी स्पीसीज है अपने? 4 स्पीसीज है। तो पहली कौन सी है? जिया मेज, डिप्लोइड स्पीसीज है, 20 आपको मालूम है क्रोमोसोम है, और कॉर्न के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरी स्पीसीज है मैक्सिकाना, जिया मैक्सिकाना, वह भी डिप्लोइड है, 20 क्रोमोसोम है, और उसको एनुअल ट्यूसेंटे। तीसरी है जिया पेरेनिस, और इसके बाद में जिया डिप्लो पेरेनिस, जिसमें जिया पेरेनिस है वो क्या है? टेट्राप्लोइड स्पीसीज है, टेट्राप्लोइड स्पीसीज है, यानी जो जियो अपने जीनोम कॉम्प्लीमेंट है उसकी 4 सेट पाए जाते हैं, डिप्लोइड में 2 सेट पाए जाते हैं, तो टेट्राप्लोइड स्पीसीज है। और क्रोमोसोम नंबर कितने हो इसमें? 40। और जो डिप्लो पेरेनिस है वो डिप्लोइड स्पीसीज है। तो ये दोनों पेरेनियल जो स्पीसीज है और ये एनुअल है, तो इनके जो तीनों ये वाइल्ड रिलेटिव है। कल्टीवेटेड स्पीसीज ओनली कौन सी है? जिया मेज है, बाकी ये तीनों क्या है? वाइल्ड रिलेटिव है। इनको कंबाइंड रूप में अपने टियोसेंटे बोलते हैं, तो इसके लिए कंबाइंड टर्म कौन सी यूज़ की जाती है? टियोसेंटे, टियोसेंटे जो इसका क्या है? वाइल्ड रिलेटिव है, जो जनरली कल्टीवेटेड अपनी मेज है उसका। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है जो पेरेनिस है वो टेट्राप्लोइड स्पीसीज है, बाकी सभी डिप्लोइड स्पीसीज है। याद होना चाहिए भी जीनस जिया है उसमें कौन कौन सी स्पीसीज अपने होती है, तो जिया मेज, जिया मैक्सिकाना, जिया पेरेनिस और जिया डिप्लो पेरेनिस। अब थोड़ा इसमें एक क्लासिफिकेशन और है जो एंडोस्पर्म होता है,
एंडोस्पर्म के करेक्टर्स के आधार पर अपने इसमें मेज का क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें डेंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, पॉप कॉर्न, फ्लोर कॉर्न, स्वीट कॉर्न, पोर्ड कॉर्न और वैक्सी कॉर्न। तो ये सभी इसमें जो एंडोस्पर्म होता है उसके जो करेक्टर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं। जिस प्रकार डेंट कॉर्न, तो इसमें डेंट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, हार्ड स्ट्रक्चर होती है। फ्लिंट कॉर्न हो गया, पॉप कॉर्न होता है, तो इसमें जो इसका एंडोस्पर्म होता है वो काफ़ी जो स्टीम जो होते हैं अपने हीट देते हैं वो उसके प्रति काफ़ी सेंसिटिव होता है और वो एंडोस्पर्म काफ़ी फूल कर अपने पॉपकॉर्न जो अपने खाते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। फ्लोर कॉर्न होता है, तो इसका जो आटा बनाने के लिए बेस्ट होता है। स्वीट कॉर्न, तो इसमें मीठी स्टार्च होती है, स्वीट शुगर पाई जाती है, मीठी स्टार्च। सेकेराटा, जिसका नाम है GMH वेराइटी सेकेराटा। फ्लोर कॉर्न को क्या होता है, GMH वेराइटी एमाइलेशिया। पॉपकॉर्न GMH वेराइटी वर्टा। ये जो स्टंट के द्वारा क्लासिफिकेशन दिया जाता है इसलिए इनका नाम आगे यूज किया जाता है। फ्लिंट कॉर्न को GMH इंडुराटा और डेंट कॉर्न को GMH इंडेंटाटा। तो इस दोनों में थोड़ा सा आपको दिक्कत रहती है दोनों में, तो जो डेंट कॉर्न है उसके नाम के अंदर ही आपको डेंट नाम देखने को मिलेगा, तो इसके द्वारा आप इसको याद रख सकते हैं। तो इंडेंटाटा क्या है, डेंट कॉर्न का नाम है। तो पोर्ड कॉर्न और वैक्सी कॉर्न है, तो इसमें थोड़ा वैक्सी लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, GMH वेराइटी केरेटिना। तो इसमें थोड़ा वैक्सी लाइक, आप वैक्स समझते हो, तो वैक्स लाइक स्ट्रक्चर थोड़ी सी इसमें जो प्रोटीन वगैरह होते हैं वैक्स लाइक इसमें पाया जाता है। तो ये जो एंडोस्पर्म होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्लासिफिकेशन दिया गया है अपने मेज का। अब अपने इसकी पढ़ते हैं फ्लोरल बायोलॉजी। मेज क्या है, मोनोशियस प्लांट है, द्विलिंगाश्री प्लांट बोलते हैं हिंदी में। मोनोशियस प्लांट का मतलब है जो मेल और फीमेल इनफ्लोरेसेंस है वो सेपरेट इनफ्लोरेसेंस में पाए जाते हैं। मेल फ्लोर और फीमेल फ्लोर क्या है, दोनों सेपरेट इनफ्लोरेसेंस में पाए जाते हैं और एक ही प्लांट पर उपस्थित होते हैं, सिंगल प्लांट पर उपस्थित होते हैं। अगर अदर अदर प्लांट पर स्पीशीज जो फ्लोरेसेंस है वो उपस्थित हो तो उसको क्या बोलते हैं, डायोशियस स्पीशीज बोलते हैं। लेकिन अगर मेल और फीमेल फ्लोर है अलग अलग इनफ्लोरेसेंस में हो, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है पुष्पन, जो पुष्पन होता है फ्लोर जो प्लांट का, तो उसमें अलग अलग में उपस्थित हो तो उसको मोनोशियस प्लांट बोलते हैं। जैसे आप मेज हो गया, केस्टर हो गया, तो ये सभी के मोनोशियस प्लांट होते हैं। अब देखते हैं, मेज इज मोनोशियस प्लांट, दैट इज सेक्सेस आर पार्सिनेटेड इनटू सेपरेट पिस्टिलेट, यानी जिसको ईयर द फीमेल फ्लोवर एंड स्टेमिनेट यानी टेसल। तो जो फीमेल फ्लोवर है उसको क्या बोलते हैं अपने, फीमेल इनफ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, यानी कि जो मादा पुष्पन होता है उसको क्या बोलते हैं अपने, सिलक बोलते हैं या कोप बोलते हैं, सिलक या कोप बोलते हैं। जो अब जबकि मेल जो इनफ्लोरेसेंस होता है उसको अपने टेसल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेसल। द मेन सूट टर्मिनेट इन टू स्टेमिनेट टेसल, मतलब जो मेन सूट होती है जैसे ये आपका मेज प्लांट है, एडवेंटिस रूट सिस्टम पाया जाता है इसमें। नॉन टिलरिंग प्लांट है, मतलब वीट और अपने उसकी तरह इसमें टिलर्स नहीं पाए जाते हैं। टिलर्स का मतलब है जो यहाँ से टिलर्स निकलते हैं, तो इसमें टिलर्स वगैरह नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसका जो मेन एक्सिस है सूट का, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका टेसल निकलेगा। जो मेल इनफ्लोरेसेंस है वो गया ऊपर एपिकल पोर्शन पर पाया जाएगा, एपिकल पोर्शन पर अपने मेल इनफ्लोरेसेंस पाया जाएगा। और जहाँ जो यहाँ एक्सियल है यहाँ से क्या निकलेंगे, सिल्किंग होगी, यहाँ से सिल्क निकलेंगे, कोब। तो जहाँ से इनफ्लोरेसेंस निकलता है उसकी जो लेफ्ट लीफ होती है उसको क्या बोलते हैं अपने, फ्लैग लीफ बोलते हैं, फ्लैग लीफ। यहाँ पर भी एक जो लीफ लगी होती है जिससे जो जिससे इनफ्लोरेसेंस होता है, जो पुष्पन होता है वो निकलता है, उसको भी अपने फ्लैग लीफ बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आपको मालूम है कोब है जो मादा फ्लोर है, मादा इनफ्लोरेसेंस है, पुष्पन है और ये नर है। और इसकी एक मुख्य विशेषता होती है बेज प्लांट की, वो क्या है, प्रोटोएंड्रस इसमें कंडीशन पाई जाती है, प्रोटोएंड्रस यानी कि जो मेल इनफ्लोरेसेंस होता है, जो मेल फ्लोर होता है वो क्या होता है, फीमेल से पहले ही प्रीपिकव हो जाता है। तो मोनोशियस और जो प्रोटोएंड्रस दोनों कंडीशन मिलकर इसको हाईली क्रॉस पोलिनेटेड कंडीशन प्रदान करते हैं। हाईली क्रॉस पोलिनेटेड है ये, तो ये मोनोशियस हो गया, ऊपर से प्रोटोएंड्रस सिचुएशन होगी। तो इस दोनों की वजह से इसकी जो ये सिल्क है, इसकी जो स्टाइल है वो जब तक रिसिप्टिव होगी तब तक ये क्या होगा, प्रीपिकव हो चुके होंगे, या ये इसके जो एंथेसिस है वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो इसलिए क्या क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है। मेज इज जनरली प्रोटोएंड्रस, दैट इज द मेल इन फ्लोर मेच्योर अर्लियर देन द फीमेल फ्लोर, यानी कि जो फीमेल फ्लोर उससे पहले ही मेल फ्लोर है
क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। जो प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है उसमें क्या होती है, जो फीमेल फ्लोवर होता है वो पहले परिपक्व होता है मेल फ्लोवर की तुलना में, जो अपने पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा में कंडीशन पाई जाती है। अब इसकी फ्लोरल बायोलॉजी में देखते हैं, पेड स्पाइकलेट्स आर अरेंज्ड इन सेवरल रो ऑन द मेन एक्सिस एंड द टू रो ऑन द लेटरल ब्रांचेस। तो इसमें जो अपने इन्फ्लोरसेंस होता है इस प्रकार होता है इसका। तो इसको जो जो मेन एक्सिस होता है उसको रेचिस बोलते हैं, और जो लेटरल जो एक्सिस होते हैं उनको रेचाइला बोलते हैं। इस पर क्या होता है, जो अपने स्पाइकलेट होते हैं वो पेड कंडीशन में होते हैं। पेड कंडीशन का मतलब है इस प्रकार है, जो ये एक्सिस है मदर एक्सिस बोलते हैं, मदर एक्सिस पर अपने ये जो फ्लोरेट है, अपने जो स्पाइकलेट है इसको स्पाइकलेट बोलते हैं। तो पेयर्ड कंडीशन में स्पाइकलेट पाए जाते हैं, यानी कि दो स्पाइकलेट क्या होंगे, आपस में पेयर्ड होंगे, जिसको अपने इसमें इसको क्या बोलते हैं, सेसाइल स्पाइकलेट बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, पेडिसिलेट स्पाइकलेट। सेसाइल स्पाइकलेट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसमें मतलब एवरंथ, एवरंथ हिंदी में बोल सकते हैं और इसको वरंत बोल सकते हैं आप। तो इसमें जो ये अटैच होती है, जो स्टाल्कनुमा स्ट्रक्चर जो अटैच होती है, ये तना छोटा सा हल्का सा बोल सकते हो, तो ये जो अटैच होती है इसलिए इसको पेडिसिल बोलते हैं। तो पेडिसिलेट स्पाइकलेट बोलते हैं, इसमें ये अटैच नहीं होती है, डायरेक्ट मेन एक्सिस से जुड़ा होता है, इसलिए इसको सेसाइल स्पाइकलेट बोलते हैं। अब इसमें देखो आप स्पाइकलेट इस प्रकार की स्पाइकलेट है, तो ये लोअर ग्लूम हो गया, लोअर ग्लूम, और ये अपर ग्लूम, अपर ग्लूम लाइक स्ट्रक्चर होगी। उसके बाद में आपकी लिम्मा पाई जाएगी, और उसके बाद में जो लिम्मा होती है दोनों तरफ अटैच होती है, उसके बाद में पीलिया यहाँ पर ऐसे अटैच होगी, एक पीलिया यहाँ पर ऐसे अटैच होगी, और इसके बाद में जो होते हैं क्या पाए जाते हैं, स्टेमन्स। तो प्रत्येक जो स्पाइकलेट है उसके अंदर दो फ्लोरेट पाए जाते हैं, वन और टू, यानी कि दो मेल फ्लोवर या फ्लोरेट बोलते हैं इसको। और प्रत्येक फ्लोरेट में कितने स्टेमेंस होते हैं, थ्री, यानी कि थ्री एंथर्स पाए जाते हैं प्रत्येक है इसमें फ्लोरेट के अंदर। तो ये क्या पीलिया नुमा, ये दोनों स्ट्रक्चर होगी पीलिया, और ये बाहर की लिमा, और उसके बाहर ग्लूम होता है, और यहाँ पर दो लोडिक्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लोडिक्यूल्स, जो अपने एंथेसिस में इसकी मदद करते हैं फ्लोवर की। तो ये कंप्लीट है, एक है एक स्पाइकलेट की स्ट्रक्चर है, इसी प्रकार इसके साथ में दूसरी स्पाइकलेट अटैच होगी, और ये दोनों पेयर्ड कंडीशन में क्या कहलाएंगे, एक स्पाइकलेट्स का ग्रुप बनाएंगे, जिसमें दो स्पाइकलेट्स इसमें अटैच होगी। ठीक है, अब देखते हैं, दीज स्पाइकलेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, वन इज बॉर्न ऑन द शॉर्ट पेडिसल एंड अदर इज सेसाइल। सेसाइल का मतलब है जो पेडिसल पर जो बोर्न हो रही है स्पाइकलेट उसको बोलते हैं पेडिसिलेट स्पाइकलेट, और दूसरी है उसको बोलते हैं सेसाइल स्पाइकलेट, यानी कि एवरंथ पुष्पिकाएं आप बोल सकते हैं जमीन में। ईच स्पाइकलेट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ग्लूम्स, पेयर का मतलब होता है जोड़े में दो, तो दो ग्लूम्स पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, स्ट्राइल होते हैं, दैट कंप्राइज ऑफ टू फ्लोरेट, यानी कि ईच स्पाइकलेट के अंदर कितने फ्लोरेट होते हैं, दो फ्लोरेट पाए जाते हैं, ईच ऑफ विच इज इंक्लोज्ड बाई ए लिमा एंड पीलिया एंड हैज टू लोडिक्यूल्स। दो लोडिक्यूल्स होंगे जो लिमा और पीलिया के द्वारा क्या होंगे, इंक्लोज्ड होंगे। थ्री स्टेमेंस पाए जाते हैं एंड रूडिमेंट्री पिस्टिल, जो पिस्टिल होती है कई बार अल्प विकसित कंडीशन में पाई जाती है, अवशेष के रूप में आप इनको बोल सकते हैं। तो अपने इसकी अगर देखें इस प्रकार, अगर फ्लोर स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या हो गए, भारी दो ग्लूम्स हो गए, ये लिमा हो गई, और ये पीलिया हो गए, ये थ्री क्या हो गए, स्टेमेंस हो गए, लोडिक्यूल्स, और ये जो रूडिमेंट्री आप स्टिल बोल सकते हैं अलग विकसित कंडीशन में पाई जाती है विशेष के रूप में।
अब इसमें देख रहे हैं द ओवेरी एंड्स इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तागिनुमा जो स्ट्रक्चर होती है उसमें ओवेरीज क्या होती है, एंड होती है, ख़त्म होती है, जैसे इस प्रकार इसकी ओवेरी जो होता है अपने फीमेल जो फ्लोर होता है कोब, जिसे आपने भुट्टा देखा होगा, तो उसके अंदर ऐसे रेसेनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, क्या कहलाती है इसकी, ये स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स हैं, ये रिसिप्टिव होती हैं, जो अपने पर एथेसिस होता है तो उनको जो परागकण होते हैं उनको ये रिसिप्ट करती है, उनको स्वीकार करती है और पोलिनेशन होता है। सिल्क लेंथ में भी 45 सेंटीमीटर इन सम वेराइटीज़, तो जो सिल्क है इसकी लेंथ कई बार 45 सेंटीमीटर तक होती है कुछ वैरायटियों में, तो इस प्रकार इसकी ये लेंथ पाई जाती है। अब इसको देखते हैं डायग्राम में अपने देखते हैं, ये एक अपने स्पैकलेट की स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ पर पेडिसिलेट स्पैकलेट, यानी कि जो पेडिसिलेट जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, और ये कौन सा है, सेसाइल स्पैकलेट, ये ओनली मेन एक्सिस से जुड़ा हुआ है। टू फ्लोरेट्स जो अपने पाए जाते हैं एक स्पैकलेट के अंदर, टू फ्लोरेट ए वन और टू। थ्री स्टेमेंस यानी कि थ्री एंथर्स पाए जाते हैं, ये बाहर की स्ट्रक्चर ग्लूम्स होगी, अंदर की पीलिया होगी, सॉरी लिमा, और ये पीलिया नमा स्ट्रक्चर दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है। इस प्रकार ये क्या है, एक स्पैकलेट की स्ट्रक्चर है, और ये दोनों स्पैकलेट पेयर्ड कंडीशन में है, और इसके अंदर दो फ्लोरेट हैं और थ्री जो होते हैं वो स्टेमेंस हैं, ईच फ्लोरेट के अंदर पाए जाते हैं। अब देखो ये देखो लिमा ऑफ लोअर फ्लोरेट, ये लोअर फ्लोरेट है, ये अपर फ्लोरेट है, लोअर ग्लूम्स ऑफ सेसाइल स्पैकलेट, ये ग्लूम्स बाहर की स्ट्रक्चर है वो ग्लूम्स है, और एक अपर ग्लूम्स ये रहा, यहाँ पर ये लिमा है और यहाँ पर भी लिमा है, ये स्टेमेंस है थ्री, और नीचे वाले के ये स्टेमेंस है थ्री, यानी कि जो अपर जो फ्लोरेट होता है वो जल्द उसका एंथेसिस थोड़ा जल्दी होता है और नीचे वाले का थोड़ा लेट होता है इसमें। तो ये क्या है, मेल फ्लोरेल की क्या फ्लोरेट की क्या एक स्ट्रक्चर है स्पैकलेट की, मेल स्पाइकलेट पेयर्ड कंडीशन में है, ये जो अपना लेटरल एक्सिस बोल सकते हो आप, इस प्रकार एक्सिस होता है, इस पर सभी इसी प्रकार अटैच होती है चारों तरफ, और ये जो मेन एक्सिस से जुड़ा होता है तो मेन एक्सिस पर एंड पर भी एक है इस प्रकार की स्ट्रक्चर है जो स्पाइकलेट्स होती है वो अटैच होती है। अब ये फीमेल इनफ्लोरेसेंस आप देख सकते हैं, तो ये क्या स्टाइल नुमा जो बाहर दिखाई दे रहा है अपने को स्ट्रक्चर जो अपने थोड़ा रेड कलर की होती है, तो ये क्या है स्टाइल्स है, ये क्या होती है रिसिप्टिव होती है, पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करती है। अब आप इसमें देखिए, इसमें जो स्पैकलेट होती है वो भी पेयर्ड कंडीशन में पाई जाती है जिस प्रकार मेल में पाया जाता है, तो ये क्या है, ये इसकी है वो स्टाइल है जो अपने सिल्क का काम करती है, आगे जाकर जो गुच्छेनुमा स्ट्रक्चर बनाती है जिसको अपने सिल्क बोलते हैं, तो स्टाइल्स का जो समूह होता है उसको अपने सिल्क बोलते हैं। तो इसके अंदर ये क्या है, दूसरा इसमें होता है ना जो अपने सेकेंड जो फ्लोरेट होता है वो क्या होता है, स्ट्राइल होता है, स्ट्राइल यानी कि आप बोल सकते हैं फर्टाइल नहीं होता है, जो अदर दूसरा होता है वो क्या होता है फर्टाइल होता है। तो इसके पेयर के अंदर ओनली वन फर्टाइल अपने ओवेरी पाई जाएगी, दूसरी क्या होगी स्ट्राइल होगी, इसमें भी वही स्ट्रक्चर लोअर ग्लूम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ओवेरी हो गया आपका ये लीमा और पीलियानुमा वही सेम स्ट्रक्चर पाई जाती है, लेकिन इसका क्या होता है ये जो लोअर जो होता है फ्लोरेट ये क्या होता है स्ट्राइल होता है, फर्टाइल नहीं होता है, ओनली ये एक ओनली वन जो होता है वो ही ओनली फर्टाइल होता है, इसमें ही फर्टिलाइजेशन होगा और यही अपने जो अपने मेज का जो सीड का निर्माण करेगा। ये इसकी जो ट्रांसडक्शन अपने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें ये जो पेयर कंडीशन में अपने को स्पाइकलेट दिखाई दे रहे हैं, ऐसे पेयर पेयरिंग के रूप में पाए जाते हैं, ये बाहरनुमा जो ये होती है हस्क बोलते हैं जिसको, और बाहर जो जो लीव्स होती है उसके द्वारा ये क्या होता है कवर होता है। तो इस प्रकार ये किस प्रकार स्ट्रक्चर बनाता है, इस प्रकार ये जो रेसेस हेयर से आपको दिखाई देते हैं ये स्टाइल्स होते हैं, इस प्रकार ये बाहर निकले होते हैं, इस प्रकार ये स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये पोलन वगैरह ये क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन इसके अंदर होता है। तो ये फीमेल जो होता है वो भी पेयर कंडीशन में पाया जाता है जिसका एक क्या होता है स्ट्राइल होता है और एक ही फर्टाइल होता है, दो फ्लोरेट में ओनली वन फर्टाइल होगा दूसरा क्या होगा स्ट्राइल होगा, और ये इस प्रकार सेम स्ट्रक्चर लिमा पीलिया और ग्लूम्स वही स्ट्रक्चर पाई जाती है और पेयर कंडीशन में होगा, और ये जो होती है ये आगे जाकर लॉन्ग स्टाइल का निर्माण करेगी और यहाँ पर स्टिग्मा होगी जो एंड पॉइंट होता है रिसेप्टिव जो पोलन को एक्सेप्ट करता है।
तो ये थी अपने फ्लोरल बायोलॉजी मक्का की। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये है, मोनोशीस प्लांट है और जो अपने प्रोटो एंड्रस कंडीशन इसमें पाई जाती है जो क्रॉस पोलिनेशन को इसमें बढ़ावा देती है। इसमें जो अपने ईच स्पाइकलेट क्या होते हैं पेयर्ड कंडीशन में होते हैं, यानी कि दो फ्लोरेट स्पाइकलेट होते हैं उसके अंदर दो फ्लोरेट पाए जाते हैं और जो स्पाइकलेट है वो भी पेयर कंडीशन में होंगे। इसमें एक पेडिसलेट होगा, दूसरा सेसाइल होगा। सेसाइल का मतलब है एवरंथ, इसके अंदर वरंथ नहीं जुड़ा होगा, और दूसरा पेडिसलेट होगा उसके अंदर वरंथ जुड़ा होगा। और इसके अंदर ईच फ्लोरेट के अंदर कितने स्टेमेंस पाए जाते हैं, 3 स्टेमेंस इसमें पाए जाते हैं। तो ये थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है, दो लोडिक्यूल्स भी इसमें उपस्थित होते हैं और लिमा पीलिया वगैरह ये तो आप सेम स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है, और इनकम्प्लीट इसका इनफ्लोरसेंस पाया जाता है। अब इसमें देखते हैं ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव अपने ब्रीडिंग उद्देश्य इसमें क्या रहता है जो मेज क्रॉप है उसमें अपने ब्रीडिंग करने का, तो उस चीज़ों को देखते हैं। पहले तो सबको मालूम है पहला अपने क्या होता है यील्ड पोटेंशियल, कोई भी क्रॉप हो उसको अपने यील्ड अपने को बेटर प्राप्त करने के लिए पहला ऑब्जेक्टिव यही रहता है। तो कॉम्प्लेक्स करेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय पॉलीजीन्स, यील्ड क्या है कॉम्प्लेक्स करेक्टर्स है, पॉलीजीन्स का मतलब बहुत सारे जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो इसको इनडायरेक्ट आप इसमें इंप्रूव नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बहुत सारे जो अटैच्ड करेक्टर होते हैं उनकी आप संख्या बढ़ाकर या उनमें इंप्रूव करके धीरे धीरे आप यील्ड को इंप्रूव करेंगे, जिसमें अपने जो कोब है उसकी लेंथ हो गई, पर कोब में अपने सीड हो गए, इस प्रकार जो करेक्टर्स होते हैं उनको इंप्रूव करके अपने यील्ड को इंप्रूव कर सकते हैं, डायरेक्ट यील्ड को अपने इंप्रूव इसमें नहीं कर सकते हैं। अटेंशन इज टू बी पेड और हैव आइडियल प्लांट टाइप, जो आइडियल प्लांट कंसेप्ट होती है उसके अकॉर्डिंग अपने को इसमें प्लांट विकसित करेंगे तभी अपने यील्ड पोटेंशियल क्या होगा क्रॉप का इंक्रीज होगा। वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन एज ए मेज ब्रीडिंग मेथड डिड नॉट गेन पॉपुलरिटी, तो वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन है इसकी पॉपुलर नहीं है मेन, या इसमें क्या है सुपीरियर जो सेग्रीगेंट्स होते हैं जो अपने को सेग्रीगेट प्राप्त होते हैं वो सुपीरियर कंडीशन में अपने को नहीं प्राप्त होते हैं इसमें, इसलिए क्या है इसमें वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन क्या है थोड़ा सा इसमें सुपॉपुलर नहीं है। दूसरा इसमें ब्रीडिंग फॉर पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट, तो हर क्रॉप के जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं लगभग सेम से होते हैं, तो अपने यील्ड हो गया, डिजीज और जो अपने पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंस हो गया, और अपने बायोटिक जो एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं उनके प्रति रेजिस्टेंस हो गए, तो ये सभी क्या होते हैं कॉमन्स होते हैं। तो इसमें जैसे इंसेक्ट वगैरह हो गए, सूट फ्लाई, स्टेम बोरर, हेलियोथिस आर मेजर पेस्ट, मैक्सिकन वराइटीज आर रेजिस्टेंट, जो मैक्सिकन वराइटीज़ हैं वो क्या है इसके प्रति रेजिस्टेंस पाई जाती है, तो इसके द्वारा अपने ब्रीडिंग की प्रोसीजर करके करेक्टर्स वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं कल्टिवेटेड स्पीसीज में। अगला डाउनी मिल्ड्यू लीफ लाइट एंड हेलमेंथोस्पोरियम आर मेजर डिजीज, तो ये सभी क्या मेजर फंगल डिजीज हैं, तो ये जो वराइटीज हैं तो ये क्या इसके प्रति रेजिस्टेंट पाई गई है, तेवान लाइन्स आर रेजिस्टेंट टू डाउनी मिल्ड्यू, जो तेवान्स की जो लाइन्स हैं जो अपने मेज की तो इनके प्रति क्या रेजिस्टेंट पाई जाती है, तो उनके द्वारा भी अपने करेक्टर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ब्रीडिंग फॉर हाई प्रोटीन, तो मेज के अंदर आपको मालूम है जीन प्रोटीन पाया जाता है, तो केस में पाया जाता है ये एंडोस्पर्म में पाया जाता है, 80% इसकी मात्रा जो है एंडोस्पर्म में पाया जाता है। तो इसके क्या होता है थोड़ा सा इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफेन जो अमीनो एसिड होते हैं उसमें ये थोड़ा सा इसकी लैक पाया जाता है, इसमें कंडीशन मतलब लाइसिन और ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड की कमी होती है, जबकि प्रोटीन जो जर्म में पाया जाता है जो एम्ब्रियो में पाया जाता है 20% वो बैलेंस्ड होता है, वो कंप्लीट है बैलेंस्ड है, उसमें सभी जो अमीनो एसिड्स हैं वो कंप्लीट बैलेंस्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। तो अपने को एम्ब्रियो का साइज बढ़ाकर अपने इस प्रोटीन की मात्रा को इंक्रीज कर सकते हैं ब्रीडिंग मेथड्स के द्वारा, तो ये अपना मेन फोकस रह गया इसमें। ब्रीडिंग फॉर इंक्रीज्ड ऑयल कंटेंट, जनरली मेज में 10% अपने ऑयल कंटेंट पाया जाता है, 12-15 इसमें दी हुई रेंज है, लेकिन जनरली 10% क्या होता है इसमें ऑयल कंटेंट अपने मेज में पाया जाता है। बाय इंक्रीजिंग एम्ब्रियो साइज वी कैन इंक्रीज द ऑयल कंटेंट, एम्ब्रियो के साइज को बढ़ाकर अपने ब्रीडिंग मेथड से तो ऑयल की मात्रा भी अपने बढ़ा सकते हैं, एम्ब्रियो को बढ़ाकर अपने उसमें जो प्रोटीन है उसकी मात्रा भी बढ़ा सकते हैं जो बैलेंस्ड प्रोटीन एम्ब्रियो में पाया जाता है। तो ये क्या हो रही है अपने मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव इसमें रहेंगे। अल्टरनेट सोर्स ऑफ साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म टी ससेप्टिबल टू हेलमेंथोस्पोरियम, मतलब इसके प्रति क्या हो गई है ससेप्टिबल है, तो इसके लिए अपने को अदर सोर्स को भी रेजिस्टेंस के लिए देखना होगा, एक पर ही निर्भर नहीं होगा ना होना होगा इसमें। हाई यील्डिंग बेबी कॉर्न, जो बेबी कॉर्न इसकी जो वैरायटी पाई जाती है जो अपने एज अपने सलाद में यूज़ कर सकते हैं, जो मीठी कॉर्न होती है करें एज अपने इसमें चारा के रूप में पशुओं को भी यूज़ कर सकते हैं। तो GMH वैरायटी सेक्रेटा स्वीट कॉर्न, द ग्रीन कोब्स कैन बी ईटन एज ए सलाद, द कोब्स कैन बी हार्वेस्टेड 45 डेज आफ्टर सोइंग,
तो इनका जो बेबी कॉर्न है इसकी अपने क्वालिटी वगैरह इंप्रूव करके इसके अर्ली अर्ली जोड़ी मेच्योरिंग में लिया कर, या अपने इसमें कुछ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव ढंग के डालकर इसमें भी अपने इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसकी जो COBC फर्स्ट है, ये लेटेस्ट वैरायटी है बेबी कॉर्न की, तो ये अपने जनरली ब्रीडिंग जो अपने ऑब्जेक्टिव है ये रहेंगे। इसके बाद में अपने नेक्स्ट टॉपिक में थोड़े से इसके जो अपने ब्रीडिंग प्रोसीजर्स हैं, ईयर टू रो मेथड हो गए, या कौन कौन से मेथड से कौन सी वैरायटी डेवलप हुई है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन किस प्रकार होता है बेज में, वो सब कवर करेंगे। तो इसमें आपको मेजर ध्यान रखने वाली बातें कौन सी है, बॉटनिकल नेम आपको पता होना चाहिए GMAs, और इसका क्रोमोसोम नंबर और फैमिली वगैरह ओरिजिन, ये सभी चीज़ें आपको इसकी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। ओरिजिन प्लेस तो हर क्रॉप का आपको पता होना चाहिए, जैसे राइस का साउथ ईस्ट एशिया है, इसका अपने सेंट्रल अमेरिका, तो इसके क्रॉप अपने को ढंग से इनको याद रखना होगा। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, जनरली प्रोजिनेटर्स हैं ये जो वाइल्ड रिलेटिव हैं, ये एक मुख्य है इनमें, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने होंगे। जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में, आगे भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो टियोसेंटो क्या है, इसका वाइल्ड रिलेटिव बोल सकते हैं आप इसको, तो क्योंकि इसके द्वारा जो भी करेक्टर्स वगैरह आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं, जो सेम करेक्टर्स इन दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए अपने इनको क्लोजली रिलेटेड वाइल्ड रिलेटिव मानते हैं। जबकि दूसरे जीनस से जो ट्रिप्सिकम है उसको भी अपने मानते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा क्या बोलते हैं ब्रिज क्रॉस की आवश्यकता होती है, डायरेक्ट अपने करेक्टर्स इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, अदर जीनस से ये थोड़ा बिलोंग करता है। और जो ट्यूनिकाटा है इसे भी अपने प्रोजिनेटर्स में मानते हैं। तो मुख्य इसमें क्या है, टियोसेंटे हैं, और जीनस जो जिया जीनस है उसके अंदर चार स्पीसीज है इनका आप ध्यान रखना, GMAs, GMAxicana, GiaPerennis और GiaDiploPerennis, जिसमें GiaPerennis क्या है टेट्राप्लोइड है, इसकी एक स्पीसीज है। तो इस प्रकार ये अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ओरिजिन प्लेस वगैरह हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, फ्लोरल बायोलॉजी होगी और ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होगी, ये अपने इसका टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में अपने ब्रीडिंग प्रोसीजर और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।